हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 10 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है शरणार्थियों का स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में जो कनाडा है इसने IRGC जो सैन्य बल है ये जो है ईरान का सशक्त बल है, फॉरन फोर्स है, और इसे जो है आतंकवादी की इकाई घोषित कर दिया है। बात करें जो ये IRGC है इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया तो आयतुल्ला जो खुमैनी है ईरान के, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। बात करें तो कि इसको जो है इस संगठन को आतंकवादी इकाई घोषित कर दिया था USA ने 2019 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का सूचिका ये जो रिपोर्ट है ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जहाँ इसमें फर्स्ट पे स्वीडन से भारत की रैंक इस बार है 63 और इससे पहले 2023 में थी 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट ये जारी करता है हेल्थ इन्फेक्टी इंस्टीट्यूट जो संस्था ये इस रिपोर्ट को जारी करता है जो USA की संस्था है, और इसने बताया है कि एयर पॉल्यूशन से मौत की जो आंकड़ा है इसमें 80 लाख लोग हैं जिनका जो मृत्यु है वो एयर पॉल्यूशन से हुआ है। इसमें फर्स्ट पे है चीन और सेकेंड पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो NASA है इसका जो रोवर था जिसका नाम है परसिवेंस रोवर, ये मंगल ग्रह पर भेजा गया था और इसने जो है वहाँ पे पहली बार कोई जो रोवर है उसने पहली बार यहाँ पे खोज किया है। क्या चीज़ का खोज किया है, तो जो एटोको पॉइंट इसका नाम दिया गया है और ये जो है चट्टान है और इसकी खोज हुई है और इसमें जो है दो खनिज पाया गया है। खनिज की बात करें कौन कौन से खनिज, तो जो एक है पायरोक्सिन और दूसरा हो गया फेल्सफर, ये जो दो खनिज है इस पॉइंट में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, स्थापना हुआ तो 1990 के अधिनियम का, लेकिन स्थापना हुआ तो 1992 में। पहले इसके हेड थे जयंती पटनायक, वर्तमान में इसकी हेड है रेखा शर्मा। अभी हाल में इसने बताया है कि जो सर्वाधिक शिकायतें आई हैं यानी महिलाओं द्वारा जो शिकायत दर्ज किया गया है इसमें फर्स्ट पे है UP, सेकेंड पे दिल्ली, थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभी इसने बताया है कि पवन ऊर्जा स्थापित में फर्स्ट पे गुजरात है और सेकेंड पे है तमिलनाडु, और सौर ऊर्जा स्थापित करने में फर्स्ट पे है राजस्थान और सेकेंड पे है गुजरात। बात करें कि वर्ल्ड वाइन डे कब मनाया जाता है, विश्व वायु दिवस ये 15 जून को मनाया जाता है और हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को, जिसकी कैपिटल क्या है कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है इसने बोला है कि जो सार्वजनिक रोजगार यानी जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें जो ट्रांसजेंडर हैं इन्हें 1% का आरक्षण दिया जाएगा, और बात करें कि जो हमारा संविधान है उसमें जो आर्टिकल 16(4) है इसमें बोला है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है यानी जो गवर्नमेंट जॉब होती है इसमें जो है आरक्षण की बात करें तो इसके लिए एक केस भी हुआ था, इंदिरा गांधी शानी केस 1992 में, जहां बताया गया था कि आरक्षण की जो सीमा है ये मैक्सिमम 50% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इसको हम बढ़ा सकते हैं। और अभी बिहार की बात करें तो जो बिहार की गवर्नमेंट है इसने जो है अपनी जो आरक्षण की सीमा है इसे 50 से 65% कर दिया, जहां पटना के जो हाई कोर्ट है इसने इसको रद्द कर दिया क्योंकि जो आरक्षण की सीमा है 50 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई गिद्ध संरक्षण और पर्यटन केंद्र ये स्थापित होने वाला है UP के महाराजगंज में, ये विश्व का पहला है। बात करें कि जो IUCN जो संस्था है इसने जो गिद्ध है इसको रेड लिस्ट में जारी कर लिस्ट में डाल दिया, यानी ये जो है विलुप्त के कगार पे है, और इस जो ये प्रजनन केंद्र है इसका नाम होने वाला है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओवर 0 रन 4 मेडल और 3 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं लॉकी फर्ग्यूसन जो न्यूजीलैंड के हैं, और इन्होंने जो है पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ इस रिकॉर्ड को बनाया है।